बड़ी खबर आपको बता दें, प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। बीजेपी की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम नाली साफ करने के लिए नहीं बने हैं, शौचालय साफ करने के लिए हम नहीं बने हैं, हमारा जो काम है हम ईमानदारी से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि शौचालय साफ करने के लिए हम नहीं बनाए गए हैं, हमारा जो काम है हम वो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि शौचालय साफ करने के लिए हम नहीं बने हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए दिखाते हैं। शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि हम शौचालय साफ करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, जिस काम के लिए बनाए गए हैं वही काम हम करेंगे। सरस्वती चंद्र हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से ही सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर। सरस्वती चंद्र, प्रधानमंत्री को झाड़ू थामने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 अक्टूबर को जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी तब प्रधानमंत्री ने खुद भी झाड़ू थामा था, लेकिन आपत्ति शायद लग रहा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को है। बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा, कांग्रेस साध्वी प्रज्ञा इस तरह विवाद में आई है और खुद नरेंद्र मोदी का कहना पड़ा था कि मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा का बयान आया है कि वो नाली और शौचालय साफ करने के नहीं बनी है, तो आपसे सीधे तौर पर इसकी तो यही नजर आता है कि इनको एक बार जनता ने बड़ी सांसद बना दिया हो, लेकिन वो मोदी का मोदी के जो स्वच्छता अभियान है इसके नहीं आगे ले जाना चाहती और कहीं ना कहीं पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी के इस मामले में कह सकते हैं कि वो इसमें साथ नहीं है और कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है जिस तरह से उन्होंने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे आप सांसद बनी है, नाली ठीक नहीं है, सफाई नहीं है, और जो व्यवस्था है, जाहिर सी बात एक सांसद का कर्तव्य होता है कि उस क्षेत्र में जाता है कि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज हो, शौचालय बने, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान करके अपने आप में कह सकते हैं कि साधु एक बात फिर विवाद में आ गई है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह का अभियान की बात करते हैं लगता है ये उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है और ये अलग लाइन पर चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सरस्वती चंद्र आपसे कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया है, ऐसी क्या बात हो रही थी जो साध्वी को ये कहना पड़ा कि हम नाली साफ करने के लिए नहीं बने हैं। देखिए बिल्कुल मैं वही बताना चाहूंगा कि जब सांसद जो है भोपाल सांसद है वो सीहोर जाती है, लोग उनसे शिकायत करते हैं कि नाले वहां पर नहीं बने हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय में प्रॉब्लम है, वहां पर गंदगी है, क्योंकि पानी नहीं आता, तो इन सब चीजों को लेकर जनता ने शिकायत की थी, तो उसके बाद वो इस तरह का बेतुका बयान देती है। मतलब अपनी जिम्मेदारी उनको भोपाल की जनता ने चुना है, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान अपने आप में कहीं ना कहीं एक सांसद को गरिमा को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और आप जनता की सेवा के लिए बने हैं लेकिन आप इस तरह कहती हैं, तो आप सवालों के घेरे में आपको हम आपको बता दें कि पहले भी विवादित बयानों के चलते साध्वी पर पीएम नरेंद्र मोदी का गुस्सा भी टूटा था, उन्होंने कहा था कभी माफ नहीं करेंगे, और आप जनता की समस्या नहीं सुन सकते तो भला आप क्यों नहीं सवाल। लेकिन सरस्वती यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, बार बार कहते हैं अपने सांसदों से कि क्षेत्र में रहिए, जनता के बीच रहिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनकी समस्याओं को सुलझाइए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि साध्वी के बयान से कि उनको जनता की समस्या पर ही आपत्ति है, वो शायद इसको छोटा बड़ा करके देख रही कि छोटा काम है तो हमारा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप जो सांसद है लोगों ने आपको चुना है, और क्योंकि आप सांसद है आपको ये रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारी जो समस्या है वो आप सुनेंगे, आप यदि अपनी तरफ से बोलेंगे तो वो समस्या को हल करेंगे, लेकिन इस तरह आप बीजेपी का बयान देते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो पार्टी की रीति रीति या फिर नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कि अपना